हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नामांकन भरने कोई आया जुलूस में तो कोई आया परिजनों के साथ। जोधपुर विधानसभा चुनाव के लिए जिले में शनिवार को भाजपा प्रत्याशी सूर्यकांता व्यास और अतुल भंसाली सहित कई अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए। इनमें अधिकांश अभ्यर्थी जुलूस के रूप में अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने कलेक्ट्रेट पहुंचे। सूरसागर विधानसभा क्षेत्र की भाजपा उम्मीदवार सूर्यकांता व्यास और शहर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अतुल भंसाली ने शनिवार को अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। सूर्यकांता व्यास दोपहर में अपने प्रधान चुनाव कार्यालय चौपासनी रोड स्थित गंगा भवन से नामांकन का पर्चा भरने के लिए रवाना हुए। उनके साथ कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता थे। भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ता नाचते और ढोल थाली बजाते हुए चल रहे थे। वहीं उनके नामांकन दाखिल करने के बाद शहर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अतुल भंसाली ने अपना नामांकन दाखिल किया। वे सरदारपुरा प्रथम सी रोड स्थित प्रधान चुनाव कार्यालय से जुलूस के रूप में जिलाधीश कार्यालय पहुंचे। इन प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री गजेंद्र शेखावत, महापौर घनश्याम ओझा, राजसीको चेयरमैन मेघराज लोहिया, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी सहित कई भाजपा नेता उपस्थित थे। इसके साथ ही सिंधी समाज के नेता राम तौलानी और शिवसेना नेता संपत पुनिया ने भी सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं राजन एम्पलीफायर के संचालक अनिल वैष्णव ने शहर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। JNVU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह राणावत ने भी नामांकन दाखिल किया है। ये सभी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहाँ आए थे। जनता पार्टी की नामांकन भरा है, मगर नामांकन तो भर दिया, इंतजाम देने में बैठ गई, पेपर नहीं आ रहा है। मैं अकेले खड़ी हूँ, मेरे सामने किसी के आने की अभी तक हिम्मत नहीं की है किसी ने। मैं जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।